तो फिर से स्वागत है आपका एमके ज्ञानविष्ट की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स के बारे में। इनमें से कुछ एयरपोर्ट्स ऊंची पहाड़ी पर तो कुछ हॉरर रोड्स पर स्थित हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरा देखें, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल एमके ज्ञानविष्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नंबर 1, गुस्ताफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट एक बहुत ही फेमस अरेबियन आइसलैंड सेंट बाग पर स्थित है। एयरपोर्ट लंबाई में काफी छोटा है। इसका रनवे एक पहाड़ के नीचे घाटी पर बना हुआ है। घाटी में ढलान होने की वजह से प्लेन की लैंडिंग में काफी दिक्कत आती है। रनवे काफी छोटा होने के कारण प्लेन इस पर ओवर रन भी कर जाते हैं, जिससे कई बार प्लेन के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। प्रिंसेस जोलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों प्रिंसेस जोलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अरेबियन आइसलैंड सेंट मार्टिन पर स्थित है। इसके रनवे पर एक काफ़ी पॉपुलर बीच भी है। जब भी कोई प्लेन रनवे पर लैंड होता है तो उसकी ऊंचाई बीच से कुछ ही दूरी पर रह जाती है। बीच पर बैठे हुए लोग प्लेन को इतनी करीब से देखते हुए फोटो और वीडियो बनाने लग जाते हैं। एक मैकमार्डो एयर स्टेशन। दोस्तों मैकमार्डो एयरपोर्ट एंटार्क्टिका में स्थित है। ये एयरपोर्ट बेहद खतरनाक है क्योंकि इसका रनवे पूरा का पूरा बर्फ से बना हुआ है। एंटार्क्टिका में टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होने के कारण समुद्र के ऊपर का पानी बहुत बुरी तरह से जम जाता है और यहाँ इसीलिए उसे ही रनवे की तरह यूज किया जाता है। इस एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराने में काफी मुश्किलें आती हैं और रनवे बर्फ का होने के कारण प्लेन के फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और यहाँ प्लेन के वजन का भी काफी ध्यान रखा जाता है। अगर प्लेन के वजन के कारण बर्फ टूटती है तो पूरा का पूरा प्लेन पानी के अंदर चला जाएगा। और मदीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट उर्दमार में स्थित है और दोस्तों दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मदीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट मदीरा आइसलैंड के किनारे पर बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ चलने वाले हवाओं की रफ्तार काफी तेज होती है, जिसकी वजह से प्लेन की लैंडिंग में काफी दिक्कत आती है। यहाँ कभी कभी हवाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि लैंड होते समय प्लेन की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। कभी कभी तो प्लेन को बिना लैंड हुए ही वापस जाना पड़ता है। यहाँ इतनी खतरनाक हवाएं चलती हैं कि प्लेन कभी कभी बुरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। 5, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुकला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह हिमालयों के पहाड़ों के बीच में स्थित है। ये एयरपोर्ट भूटान की तरफ स्थित है। इन पहाड़ों की ऊंचाई 18,000 फीट से ज्यादा होने की वजह से एरोप्लेन्स को पहाड़ियों के चक्कर लगाकर ही लैंड होना पड़ता है और टेक ऑफ के टाइम भी एरोप्लेन को पहाड़ियों के चक्कर लगाकर ही जाना पड़ता है। दोस्तों पूरी दुनिया में 8 ही ऐसे पायलट हैं जो ऐसे प्लेन चलाने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंग्लैंड में स्थित है। ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसका रनवे सिटी के बीच में बना हुआ है। दोस्तों जब भी इस एयरपोर्ट पर कोई प्लेन लैंड होने वाला है तो रोड के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया जाता है। यहाँ जगह की कमी होने के कारण इसके रनवे को रोड के बीच में बनाया गया है। दोस्तों ये एयरपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लुकला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों लुकला एयरपोर्ट नेपाल में स्थित है और ये हिमालयों की ऊंची और गहरी वादियों में बना हुआ है। इस एयरपोर्ट पर माउंट एवरेस्ट को देखने के लिए फ्लाइट लेनी होती है। इस एयरपोर्ट का रनवे काफी छोटा है और एयरपोर्ट के रोड के खत्म होते ही आगे एक 600 मीटर जितनी गहरी खाई है, इसलिए इस एयरपोर्ट में काफी एक्सपीरियंस पायलट्स ही प्लेन को उड़ा सकते हैं और इस एयरपोर्ट के पहाड़ों में होने के कारण यहाँ एयरोप्लेन रात में जा नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तब तक के लिए गुड बाय।